हिंदू परंपरा में तुलसी पौधों का अत्यंत महत्व माना गया है। हर घर में लोग तुलसी का पौधा जरूर लगाते हैं और इसका इस्तेमाल पूजा पाठ इत्यादि में किया जाता है। लेकिन कई बार कई कारणों से तुलसी का वो पौधा अपवित्र हो जाता है। दरअसल अक्सर तुलसी पौधे के रखरखाव में लोग सही ध्यान नहीं दे पाते और नतीजतन तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि महिलाएं घर में तुलसी का पौधा लगाती हैं और पूजा पाठ करने के दौरान कई बार उनसे गलतियां हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि जाने अनजाने लोग ऐसी भूल कर बैठते हैं जिससे तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है और उससे मिलने वाले शुभ परिणाम अशुभ हो जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि अगर घर में तुलसी के पौधे में दोष आ जाए तो इससे घर में भारी वास्तु दोष और नकारात्मकता पैदा होने लगती है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वह अपने घर में लगे तुलसी के पौधों को पवित्र कर ले। इसके लिए हल्दी एक बेहतर उपाय है। तुलसी के जड़ में हल्दी देने के बाद अगर वह तुलसी मुरझा रही है तो उससे वह हरित हो जाती है और दुर्भाग्य को भाग्य में बदला जाता है। जिसका दुर्भाग्य चल रहा है समय, अगर तुलसी के जड़ में अगर हल्दी देते हैं तो उसका भाग्य बढ़ता है, भाग्य की उन्नति होती है, इसलिए हल्दी दिया जाता है। तुलसी का पौधा भी मुरझाया हुआ रहे तो सहारा हो, हाँ तो उससे भी हरा हो जाता है। पर सुनने में ये भी आता है कि अगर तुलसी का पौधा किसी को दान दे तो सौभाग्य होता है जिसको देते हैं उसके साथ भी। हाँ, तुलसी का पौधा देने के बाद उसको अगर जल देता है, दे उसका पूजा करे, उसका जो भी पुण्य फल होता है उसको ही प्राप्त होता है। सुनते हैं अगर किसी को दान देने में अगर किसी को हमको गिफ्ट चीज कर रहे हैं कोई चीज, उसमें तुलसी का पौधा गिफ्ट करना सही रहता है? हाँ सही रहता है, कर सकते हैं। तुलसी माता है, तुलसी का पूजा करने के बाद उसकी परिवार में वृद्धि होगी, सब धन की वृद्धि होगी, भाग्य की वृद्धि होगी, उन्नति होगा, ये सब कार्य होता है। ज्योतिषाचार्य पंडित शत्रुघ्न आचार्य बताते हैं कि अगर तुलसी के पौधों में दोष आ जाए तो घर में नकारात्मकता आने लगती है। इस स्थिति में हल्दी से उपाय करके तुलसी की पवित्रता को पुनः प्राप्त कर लिया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि तुलसी के पौधों पर हल्दी की गांठ बांधना अत्यंत शुभ माना जाता है और लोग चाहें तो तुलसी के पौधों पर हल्दी का छिड़काव भी कर सकते हैं या उसकी जड़ में हल्दी भी डाल सकते हैं। पंडित शत्रुघ्न आचार्य बताते हैं कि इसके लिए शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधों पर हल्दी का छिड़काव करें या हल्दी की गांठ बांध दें और 10 शुक्रवार तक ऐसा लगातार करते रहना है। 11वें शुक्रवार को अंतिम हल्दी का इस्तेमाल कर इसे जल में प्रवाहित कर दें। ऐसे करने से तुलसी के पौधों में शुद्धता आ जाएगी और इससे मिलने वाले सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाएंगे। लोकल 18 के लिए गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।